हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता और आज हम लोग इस लेक्चर में एनवायरमेंट लॉ का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, दैट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आर एनवायरमेंट, हाउ वी कैन सेफ गार्ड दी नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसी से रिलेटेड एक प्रिंसिपल है, कैसे जनरेट हुआ, क्या ये प्रिंसिपल कहता है और इससे रिलेटेड लैंडमार्क केसेस में कोर्ट्स ने क्या जजमेंट्स दिए, क्या होल्डिंग्स करी, वो सब हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। सो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। It is now recognized that pollution is a form of waste and a symptom of inefficiency in the industrial production. Exactly, pollution kya hai? The jitne bhi waste influence hai, you know, polluting effluents hai, jo bhi environment mein generate hote hain, either through the household waste or through the industrial waste or whichever dispose out. Either in the water bodies or in the air, so which causes certain different pollutions, the air pollution, water pollution, soil pollution, right? तो pollution क्या है, एक तरीके का waste है, एक symptom है जो कि हमारे industrial production का, industrial development में एक inefficiency का symptom है, exactly. Hence, it was just and necessary to devise various kinds of measures to prevent and minimize the industrial pollution. इसलिए ज़रूरी था कि एक just यानी कि एक fair, एक nominal, एक necessary, you know, एक effective measure को implement किया जाए, ठीक है, that can help in the prevention as well as in the minimization of the industrial pollution. कि जितना भी industrial pollution cause हो रहा है उसको prevent कर सकें, यानी कि उससे हम लोग protection ensure कर सकें और उसको कम करने का प्रयास कर सके, राइट? सो दिस इज द नीड ऑफ द आवर। फॉर दैट द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, सो देयर इज अ कमीशन कॉल्ड वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, दैट इन इट्स रिपोर्ट हैज सजेस्टेड दैट द एनवायरमेंट कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी शैल बी इंटरनलाइज बाय द एंटरप्राइजर्स। तो उन्होंने बोला कि जो भी इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, जो भी जितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जितना भी वो लोग पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है, जितने भी वेस्ट एफ्लुएंट रिलीज होते हैं फैक्ट्रीज में से, तो वो सब जितना भी उसका जो कॉस्ट लगेगा ना, जितना भी उसको प्रिवेंट करने में या सेफ गार्ड करने में, दैट शुड बी इंटरनलाइज बाय द इंटरप्राइजर्स ओनली। मतलब जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं या जिनके भी जो भी वो बिजनेस हाउसेज या कंपनीज होल्ड कर रहे हैं, वही लोग उसको पे आउट करें या उसमें अपना रोल प्ले करें। सो देयरफॉर OECD, मतलब जब वर्ल्ड कमीशन ने ये रिपोर्ट दिया, उसके बाद जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, ये नाम याद रखो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, दैट फॉर द फर्स्ट टाइम अग्रीड टू बेस देयर एनवायरमेंट पॉलिसीज ऑन द पोल्यूटर पे प्रिंसिपल एंड इट वॉज रिकमेंडेड एज एन इकोनॉमिक एफिशियंसी मेजर टू इंटरनलाइज द एनवायरमेंटल कॉस्ट। तो फिर इस ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार अपनी जो भी ये जितने भी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उनको एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे ले डाउन किया या एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को बेस कंसिडर किया फॉर देयर इन्वायरमेंट पॉलिसीज, और वो प्रिंसिपल था पोल्यूटर पे प्रिंसिपल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट? पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। तो बेसिकली इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया, सो दैट इसको रिकमेंड किया गया फॉर इकोनॉमिक एफिशिएंसी मेजर। मतलब कि जो भी जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं, तो जो भी वो लोग अपने प्रोडक्शन में एक हिंड्रेंस फेस कर रहे हैं ड्यू टू एनवायरमेंट इश्यूज ऑफ पोल्यूशन, तो उसको इफेक्टिवली उसके मेजर्स को ड्रॉन आउट करने के लिए या इंटरनलाइज करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी, तो वो भी एक इंटरनल मैनर में वो इंडस्ट्रियलिस्ट के थ्रू ही जो है वो जनरेट हो और इंप्लीमेंट हो। सो दैट इज बेसिकली द इकोनॉमिक एफिशियंट मेजर, राइट? दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द स्लोगन। ये जो प्रिंसिपल है ना, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, अभी तक हम लोगों ने एग्जैक्टली जाना नहीं है कि क्या है ये, तो उससे जानने से पहले ये बता रहे हैं कि एक स्लोगन पे बेस्ड है। स्लोगन क्या कहता है? If you make a mess, it's your duty to clean it up. Very simple. जैसे घर में हमारी मम्मी लोग बोलती है कि अगर तुमने गंदा किया है तो तुम ही ठीक करोगे। अगर तुमने अपने रूम में सब कुछ बखेर दिया, बुक्स इधर पड़ी है, तुम्हारे कपड़े इधर पड़े हैं, तुम्हारा स्टेशनरी इधर पड़ा है, तुमने गंदगी कचरा मचा दिया है, तो ये तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम अपना रूम खुद क्लीन करो। तो बेसिकली इसी स्लोगन पे ये प्रिंसिपल बेस्ड है कि अगर तुमने पोल्यूशन कॉज किया है, सो इट्स योर ड्यूटी कि तुम उसका जो है भरपाई पूरा करो, जो भी मेजर्स है उसका कॉस्ट तुम पे करो, एज वेल एज अगर कोई और डैमेज हुआ है उसमें भी रिलीफ इंश्योर करने का ड्यूटी इज अपॉन दोज हु
create or who caused such environment degradation, right? It's a principle in international environment law where the polluting party pays the damage done to the natural environment. तो ये basically ये जो principle है ये कोई नया नहीं है, ऐसा नहीं है कि OECD ने कोई नया generate किया है, but it is already a part or a principle which lays in the international environment law. वहां पे ये कहता है principle कि जो भी polluting party है, polluting party मतलब वो person या वो group of individuals या वो house या वो organization जिसने pollution cause किया है, जिसने environment को harm cause किया है by either of its activity, तो वही liable है to pay the damages done to the natural environment, right? So under this principle, it is not the responsibility of government to meet the cost involved in either prevention of environmental damage or in carrying out the remedial actions. तो इस principle के मुताबिक government का कोई role नहीं है, government का कोई responsibility नहीं है कि वो इसके लिए funds दे या वो इसके cost up करे कि either कि कोई अगर environment damage हुआ है तो उसको prevent करने के measures में या फिर कोई remedial action मतलब कोई भी measures या कोई भी action plans या policies frame करने में जितना पैसा है, so government is not supposed to pay for that. Right, so as per that, the polluting party has the responsibility, the obligation or the duty to do the same. The OECD guideline principles defines the PPP. अब यहाँ पे हम लोग exact definition देख रहे हैं PPP यानी कि polluter pay principle. P3 कह लो, P3 कह लो. तो क्या कह रहे हैं? It is an instrument. It is an instrument for allocating the cost of pollution, prevention and control measures. तो ये एक instrument है, एक tool है, एक जरिया है, इसके माध्यम से कॉस्ट अलोकेट की जाती है फॉर वॉट फॉर टू reasons. फर्स्ट pollution प्रिवेंशन, जो भी pollution कॉज हो रहा है उसे उसकी रोकथाम में, उसको कंट्रोल करने में जो पैसा लगेगा उसको अलोकेट करने के लिए, प्लस फॉर कलेक्टिंग या अलोकेटिंग द कॉस्ट फॉर द कंट्रोल मेजर्स, जो भी हमें मेजर्स लेने इफेक्टिव मेजर्स की जरूरत है, स्टेप्स लेने हैं, एक्शंस लेने हैं, पॉलिसीज फ्रेमवर्क करनी है, उसके लिए जो भी कॉस्ट लगेगा वो सबको अलोकेट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है द पोल्यूटिंग पे प्रिंसिपल, राइट. The polluter should bear these costs in order to achieve and maintain an acceptable state of environment which is determined by the public authorities. तो बहुत सिंपल है कि इसके अकॉर्डिंग polluter जो व्यक्ति pollution cause कर रहा है वो bear करेगा all those costs ताकि वो जो एक acceptable environment maintain करना चाहता है या जो भी achieve करना चाहता है, so that is you know in industrial development or industrial production में कोई hindrance cause ना हो, so this is his duty or he bears the responsibility to pay for all those costs, right? अब हम लोग ये हमने एक जनरल एस्पेक्ट पूरा समझ लिया, हाउ इट जनरेटेड, विच हु रिलीज द रिपोर्ट, व्हाट वाज द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज होल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पी क्यूब. नाउ हम लोग कुछ केसेस देखेंगे. पहला है इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, राइट. और इसको फेमसली बिछड़ी विलेज केस भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक बिछड़ी विलेज की एक केमिकल फैक्ट्री इन्वॉल्व थी जिसने हजारियस केमिकल्स रिलीज किए थे जिससे पोल्यूशन कॉज हुआ था. So that was ultimately in this case the polluter party. So in this case the Supreme Court accepted the polluter pay principle. So इस केस में basically Supreme Court ने इस principle को adopt किया था या accept किया था. Let's look upon certain facts. So in this case some chemical factories in Bichri, Udaipur district produce hazardous chemicals like oleum etc. ठीक है. तो इस कुछ Bichri district के कुछ chemical factories ने hazardous chemicals or fumes, dust ये सब release किया था, oleum वगैरह. These industries didn't have the requisite clearance, licenses etc. nor did they have necessary equipment for the treatment of discharge toxic effluents. तो ना ही इन लोगों के पास किसी भी तरीके का licenses थे या clearance documents वगैरह थे, ना ही ये लोग ने कोई भी तरीके का effective या treatment plants होते हैं, equipments होते हैं जिससे कि you ensure कि हम लोग के अगर factory में से pollution release हो भी रहा है, कोई केमिकल रियलाइजेशन हो भी रहा है, तो हम लोगों ने ऐसे कुछ टूल्स लगाए हुए हैं, कुछ ऐसी मशीन लगाई हुई है जिससे वो कंट्रोल करता है या फिर वो जो है नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करता है एनवायरमेंट को. तो ऐसे कोई भी तरीके का इक्विपमेंट या कोई ट्रीटमेंट भी नहीं नेसेसरी लगाया हुआ था इन द इंडस्ट्री. सो ड्यू टू दिस द वाटर रिसोर्सेज पोल्यूटेड विच डिड नॉट ओनली बिकेम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बट फॉर कैटल्स एंड फॉर इरीगेशन ऑफ लैंड टू. तो उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया था, कोई रोकथाम नहीं की थी केमिकल्स रियलाइजेशन में, तो इस वजह से क्या हुआ, आसपास की जितनी भी वाटर बॉडीज थी
थी दे हैव बीन वेरी इफेक्टिव, बहुत नेगेटिवली इफेक्ट हुई, पोल्यूट हुई, जिससे कि ना सिर्फ वो पानी ह्यूमन बींग्स के लिए अनफिट हो गया था बल्कि इवन जो एनिमल्स थे ना वो भी उसे कंज्यूम नहीं कर सकते थे, वो इतना ज्यादा अनफिट हो चुका था, वो उनके लिए भी बहुत हार्मफुल हो गया था, एज वेल एज इट बिकेम यू नो इट बिकेम सो मच हार्मफुल कि वो इरिगेशन पर्पसेस में भी यूज नहीं किया जा सकता था खेती बाड़ी के पर्पसेस से. द सॉइल बिकेम अनफिट फॉर कल्टिवेशन. और इसके साथ साथ एक तो हुआ वाटर पोल्यूशन, एक सॉइल पोल्यूशन भी कॉज किया इस इंडस्ट्री ने कि जो आसपास की जितनी जमीन थी वो बिल्कुल अनफिट हो गई थी कल्टिवेशन पर्पसेस के लिए. डेथ, डिजीज एंड अदर डिजास्टर्स ग्रेजुअली रिजल्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इनॉर्मस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. तो बहुत सारा एनवायरमेंट डिग्रेडेशन और हार्म कॉज किया था इस फैक्ट्री ने. सो लेटर on a writ petition under article 32 of the constitution was filed in the supreme court and the court asked for a report to be prepared by NIRI, national environmental engineering research institute. To abhi एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट ने एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा. किसे कहा? नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी को बोला. नीरी ने सारी स्टडीज करने के बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि इन देयर रिपोर्ट दे सजेस्टेड कि देयर इज अ नीड इन दिस केस टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूटर पे, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल को या पोल्यूटर पे पोल्यूशन प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाए इन दिस पर्टिकुलर केस. सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्प किया? सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स द पोल्यूटर पे प्रिंसिपल. देखो यहां पे ना आई हैव रिटन रॉन्ग, ये प्रिंसिपल आएगा ठीक है, यहां पे सही लिखा है पोल्यूटर पे प्रिंसिपल. सो सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया, अप्लाई किया इन दिस केस एंड क्या कहा? इट वाज सेड दैट द पोल्यूटर पे प्रिंसिपल एज इंटरप्रेटेड बाय दिस कोर्ट मींस दैट द एब्सोल्यूट लायबिलिटी फॉर हार्म टू द एनवायरमेंट एक्सटेंड्स नॉट ओनली टू कॉम्पनसेट द विक्टिम्स ऑफ पोल्यूशन बट ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार पांच लाइनें हैं और ये एसेंस है हमारे इस कंप्लीट पोल्यूटर पे प्रिंसिपल का. ठीक है, ध्यान से सुनो. कोर्ट ने बोला कि पोल्यूटर पे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पोल्यूटिंग पार्टी का सिर्फ लायबिलिटी इतना ही नहीं है कि वो जिस भी जो भी विक्टिम्स रहे हैं उस पोल्यूशन की वजह से जो भी उन्हें हार्म कॉज हुआ है सिर्फ उन्हें कंपनसेट करना ही ड्यूटी नहीं है, ये लायबिलिटी सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है बट इट इज ऑल्सो द लायबिलिटी ऑफ दैट पोल्यूटिंग पार्टी कि वो उस पर भी अपनी कॉस्ट इनकर करें टू रिस्टोर द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. जो भी एनवायरमेंट को नुकसान हुआ है, जो भी उसकी क्वालिटी को डिग्रेडेशन हुआ है उसको वापस इम्प्रोवाइज करने के लिए या वापस लेवल पे लाने के लिए जो भी इफेक्टिव मेजर्स में कॉस्ट लगेगा दैट इज ऑल्सो बींग सपोज टू बी पे बाय द पोल्यूटिंग पार्टी एज पर दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल. राइट, रेमेडिएशन ऑफ डैमेज एनवायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. राइट, सुप्रीम कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट एज पर द पोल्यूटिंग पे प्रिंसिपल वंस द एक्टिविटी कैरीड इज ऑन इज हजार्डियस और इनहेरेंटली डेंजरस द पर्सन कैरिंग ऑन सच एक्टिविटी इज लायबल टू मेक द गुड द लॉस कॉज टू एनी अदर पार्टी पर्सन बाय हिज एक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ही लुक यू नो ही टुक द रीजनेबल केयर और नॉट. सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये भी बोला कि एक बार ये कन्फर्म हो जाता है कि हाँ दिस पर्टिकुलर यू नो एक्टिविटी ऑफ द फैक्ट्री और एनी ऑर्गेनाइजेशन वो एक हजार्डियस यू नो डेंजरस है इन्वायरमेंट के लिए यू नो डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर फैक्ट्री का या पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो लायबल है टू मेक द गुड जो भी लॉस हुए हैं उसको ठीक करना आइदर बाय पेइंग द विक्टिम वॉट एवर द लॉसेज फेस्ड और या फिर जो भी क्वालिटी है उसको यू नो री जो भी उसका पहला स्टेट था उसको रीस्टेट में यू नो लौटाना टू रिवर्स द नेचर जो भी उसका एक्चुअल स्टेट में वो रिसोर्सेज थे. राइट, फर्क नहीं पड़ता कि आप ये क्लेम करते हो कि नहीं हमने रीजनेबल केयर लिया था या नहीं लिया था, दैट डजेंट इररिस्पेक्टिव वो फर्क ही नहीं पड़ता है बट इफ द कोर्ट इज अप्लाइंग द पोल्यूटर पे प्रिंसिपल देन द पोल्यूटिंग पार्टी हैज टू मेक द गुड द लॉस विच एवर बीन सफर्ड थ्रू देयर एक्टिविटीज. राइट, तो गाइज आई होप आप लोग को इस केस से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था इसलिए इसमें हमारे पास हमने इसके सारे फैक्ट्स और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट इसमें डिसीजंस दिए हमने डिस्कस किया. और ये ध्यान रखिएगा इसे अगर आप व्हेन यू आर राइटिंग आंसर ऑफ पोल्यूटर पे प्रिंसिपल डू कोट दिस पर्टिकुलर केस एंड आप लोगों को आई होप सारे फैक्ट्स एंड चीजें समझ में आ गई होंगी. इसको एज इट इज कोट करिएगा ठीक है. नोट्स पर्पसेस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर दीजिएगा. There are one or more two cases, एक दो और केस है वो देखते हैं. पहला है MC Mehta versus Union of India and Others, Calcutta Tanneries case. ठीक है, वैसे केस का नाम है MC Mehta versus Union of India and Others, लेकिन इसको Calcutta Tanneries case भी कहते हैं. So in this case, the polluter pay principle relating to the relocation of industries was applied with a direction to those relocated industries to pay 25% of the cost of land. Those who didn't pay
फॉर द कॉस्ट ऑफ लैंड वर डायरेक्टेड टू बी क्लोज्ड राइट. तो इस केस में क्या था, इस केस में पोल्यूटर पे प्रिंसिपल अप्लाई किया गया था और जो भी इंडस्ट्रीज रिलोकेट हुई थी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सेटअप हुई थी, ठीक है, विद डायरेक्शन टू दोज रिलोकेटेड इंडस्ट्रीज, कोर्ट ने बोला कि यू हैव टू पे जो भी आपकी वजह से यू नो हार्म कॉज हुआ है टू द एनवायरमेंट और टू ऑल दोज पीपल यू नो नियर बाय इनहेबिटेंट जिन्होंने सफर किया है ड्यू टू द डिप्लीटिंग कंडीशन ऑफ द एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेज. तो आपको 25% जो है ऑफ द कॉस्ट ऑफ द लैंड वो उन लोगों को पे करना पड़ेगा और फॉर ऑल द रेमेडियल मेजर्स, एंड जो भी लोग पे नहीं करेंगे देन दे विल बी डायरेक्टेड टू बी क्लोज. तो उन लोगों को अपना जो भी यू नो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं और फैक्ट्रीज हैं, दे नीड टू बी क्लोज डाउन. नेक्स्ट केस इज वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. इट्स अ वेरी लैंडमार्क केस इन द एनवायरमेंट लॉ. द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पोल्यूटर पे प्रिंसिपल इज अ पार्ट ऑफ आर एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस एनवायरमेंटल स्टडी ऑफ लॉ. तो सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों ही प्रिंसिपल्स को, इन तीनों ही कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंट बोला और दे हैव बीन कंसिडर्ड अ पार्ट, अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द होल एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस. राइट, सो गाइज हैव वी आर डन, नाउ लेट्स हैव अ कंक्लूजन एज वेल दैट हमने क्या पढ़ा at the whole. So generally speaking, as per this principle, the principle of polluter pay, the polluter must pay. The polluter must pay what? The cost of pollution abatement, जो भी उन्होंने cost और जो भी उन्होंने pollution किया है either of through either of their activities, so उसका जो भी cost incur होगा. Also the cost of environment recovery, जो हमें recover करना है, जो भी degradation हुआ है environment को और उसके resources को, तो whatever recovery is supposed to be done, तो उसका cost plus the compensation cost for the victims of damages if any due to pollution. और अगर जो भी उनकी activity से जो भी तरीके का pollution cause हुआ है, either water pollution, soil pollution, land pollution or so, तो उसकी वजह से अगर कोई भी विक्टिम, किसी ने कोई डैमेजेस फेस किए हैं यू नो, सो जो भी कॉम्पनसेटरी कॉस्ट है, सो दोज ऑल्सो ऑल ऑफ सच कॉस्ट हैव टू बी पेड बाय द पोल्यूटर, द वन हु कॉज द पोल्यूशन. राइट, सो दिस इज गाइस, दिस वाज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, P3 प्रिंसिपल और PQ प्रिंसिपल, विच एवर यू वुड लाइक टू से. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. I tried using both Hindi and English for both sort of people who understands Hindi as well as English, right? और कोई doubt है तो let me know in the comment box, ठीक है, we'll sort it out together. और notes के लिए, for the notes PDF of all these topics and subject, आप हमारे either आप हमारे Instagram page पे contact कर सकते हो या फिर there's a email ID of our page which is in the description box, so आप वहाँ पे भी मुझे mail कर सकते हो. I'll try to revert back and give you all the relevant information regarding the same as soon as possible. This was it guys, keep studying and stay connected with the channel. If you're new one watching it for the first time, you can subscribe it, it's free and with full of lot of informative and you know useful videos and lectures. Right, thank you so much, keep studying, have a good day, bye bye.